जिस कदर से मोदी सरकार में गिरी है, शायद इसकी भरपाई आने वाले 50 वर्षों में भी कई सरकारें बदलेंगी उसके बाद भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी भरपाई करना, क्योंकि जो कांग्रेस के साथ शासनकाल में आपने देखा था कि जब समूचा विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा था तब भी हमारे देश के अंदर आर्थिक मंदी का प्रभाव नहीं पड़ा था। क्यों नहीं पड़ा था? कल राहुल गांधी ने भी कहा इस बात को कि जब राहुल गांधी जी ने पूछा मनमोहन सिंह से तो उन्होंने हवाला दिया कि देश में दो तरह के आर्थिक हैं, एक किसान है हमारा और दूसरा लघु उद्योग जो छोटे छोटे कारखाने हैं, और जिस देश में ये कारखाने रहेंगे उसका जीडीपी कभी नहीं गिर सकता है, और जहां का किसान खुशहाल रहेगा उसका जीडीपी कभी नहीं गिर सकता है। लेकिन इस सातवें साल में मोदी सरकार ने जितने छोटे छोटे कारखाने थे उन सब कारखानों में ताला लगाने का काम श्री नरेंद्र मोदी ने किया, जितने किसान के आय थे उस आय पर प्रतिबंध लगाने का काम मोदी सरकार ने किया। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि आपको इस मुल्क के आदमियों को गरीब बनाना ही एक भारतीय जनता पार्टी का मकसद है। अब यह मकसद क्यों है यह भी आप बढ़िया से समझ लीजिए। सदियों से भारत के अंदर जाति विशेष की राजनीति रही है और फॉरवर्ड समाज का दबदबा रहा है, लेकिन कांग्रेस का जब शासन आया तो फॉरवर्ड समाज का दबदबा धीरे 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 कम होता गया। इसका सहारा लिया आरएसएस ने। आरएसएस एक ऐसी संगठन है भारत की जो एक फॉरवर्ड क्लास की संगठन है, और उसके इशारों पे श्रीमान नरेंद्र मोदी ने ये सारे के सारे काम किए हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है कि दुल्हन भी कुछ ही दिन तक सुंदर लगती है देखने में, यदि वो हराम खोर हो तो कुछ दिन बाद आपके नजर से गिर जाएगा। तो ऐसा ही है हमारे भारत की सरकार, श्री नरेंद्र मोदी की सरकार। जुमले से इसने देश की जनता को गुमराह करने का काम किया, ये तो हम देश का आज बच्चा बच्चा जान गया है इस बात को। तभी तो आपने देखा होगा परसों के मन की बात में 10 लाख आदमियों ने इनके यूट्यूब चैनल पे अनलाइक कर दिया इनको, मात्र 34-35 हजार आदमियों ने लाइक किया मोदी जी को, 10 लाख आदमियों ने, इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने, इन्हीं के सपोर्टरों ने इनको अनलाइक कर दिया। तो ये तो कम से कम, मैंने इसीलिए कहा कि सुंदर से सुंदर स्त्री भी कुछ ही दिन आपको अच्छी लगेगी अगर आपको ये पता चल जाए कि ये काम के लायक नहीं है, तो आप उससे घृणा करने लगेंगे। तो ऐसे ही भारत की जनता अब मोदी सरकार से घृणा करने लगी है, क्योंकि 7 सालों के दरमियान में मोदी सरकार ने इस देश की जनता को जुमले के अलावा कुछ नहीं दिया है। हमेशा मुद्दे से ये भटकाते रहे हैं जनता को। इलेक्शन के समय में बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, आप सबने देखा होगा, लेकिन इलेक्शन खत्म, वादे खत्म, और उसके बाद फिर तो ये एक गाना है ना, मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। तो अभी मोदी जी जनता को नहीं जानते, क्योंकि मतलब निकल चुका है। अपनी गरज थी जब तो लिपटना कबूल था, बाहों के दायरे में सिमटना कबूल था, क्योंकि उस टाइम मोदी जी को अपनी गरज थी, इसीलिए यह सब चीजें हो रहा था। और लंबे लंबे फेंक रहे थे, आकाश में सीढ़ी लगा देंगे, 60 महीने दो मुझे बहनों और भाइयों, भारत की तकदीर बदल दूंगा। जिसको कहीं विकास नजर नहीं आता, गुजरात को आके देख लो, बेड़ा गर्द किरा हुआ है गुजरात का। यही सब भाषण में चलता था। अब कल जो जीडीपी का जो
गिरावट दिखाया गया है, 23.9 पॉइंट नीचे चला गया है माइनस में। तो अब ये न्यूज चैनल पे, न्यूज चैनल तो इनका है, गुलाम है, तो ये जापान की दिखा रहे हैं, अमेरिका की दिखा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन से देश की दिखा रहे हैं। अरे मूर्खो, हमें जापान से क्या लेना देना, हमें अमेरिका से क्या लेना देना। अभी 2-3 महीने पहले तुम कोरोना वायरस में आ जाते थे प्रत्येक दिन टीवी चैनल के ऊपर कि फलाने देश में इतना ज्यादा है, इतना है, तो अब क्यों नहीं आते डेली? अब तो नंबर 2 पे आ गया भारत, और उम्मीद रखो कि 10 दिन के अंदर अंदर में नंबर 1 पे आ जाएगा। तो बकवास चोदने में तो ये माहिर है न्यूज चैनल वाले। आपको पता है हमारे एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार ने, प्रसून वाजपेयी जी ने एक रिपोर्ट पेश की थी कि प्रत्येक मिनट में मोदी सरकार 1 लाख रुपया खर्च करती है सिर्फ अपने एडवर्टाइज में प्रचार करने के लिए, 1 लाख रुपया। तो यानी के 60 मिनट में 60 लाख रुपया खर्च करती है सिर्फ वो टीवी के मालिकों को देने के लिए और बाकी जो न्यूज चैनल है उनको, ताकि ये इनकी भक्ति करता रहे। तो आप सोचिए 24 घंटे में कितने लाख हो गए भाई, 60 लाख यानी कितने करोड़ हो गए एक दिन में। तो यदि आप सोचिए कि अगर आप ये सोचिए कि एक महीने में कितने करोड़ रुपया मोदी सरकार खर्च कर रही है सिर्फ अपने विज्ञापन के ऊपर, तो देश का तो बेड़ा गर्द होगा ना। 1,60,00,000 रुपया प्रत्येक दिन एक सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा में खर्च होता है, तो देश का बेड़ा गर्द होगा ना। आखिर एक व्यक्ति पूरे देश का पैसा पी रहा है, सिंगल एक व्यक्ति, उसकी सुरक्षा में, उसके शौक में, तो देश की जीडीपी तो बर्बाद होएगी होएगी। अब तो आपको 5 साल झेलना ही पड़ेगा 2024 तक, क्योंकि तब तक ये मोदी सरकार आपको जीरो, तो खैर जीरो से भी माइनस हो गया देश की जीडीपी, तो इससे ज्यादा और क्या करेंगे। अब ये जानते हैं आपको, अब आपके दिमाग में कहीं आप सवाल जवाब ना करें, कहीं रोड पे ना उतरे, इसलिए अब आपको ले गया है चाइना के बॉर्डर पे। और अब ये समस्या जो है, बिहार का चुनाव है, 2 महीने के अंदर अंदर में चुनाव फाइनल हो जाएगा, यानी नवंबर 20 नवंबर से पहले चुनाव खत्म हो जाएंगे बिहार में, क्योंकि 24 नवंबर को सरकार भी मनानी है इनको। तो ये सोचने वाली बात है कि आपको ये चुनाव तक ले गए मुद्दे से भटकाने के लिए चाइना बॉर्डर पे। अब क्या है, जैसे पुलवामा हमले के समय में इमरान खान के साथ सट्टी गट्ठी करके अपने सैनिक को भारत सरकार ने खुद मरवाया, मैं दावे से कह सकता हूं, इसीलिए आज तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो सकी है। आप क्या कहते हैं, 2 महीने से कंटिन्यू सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर मीडिया चली गई, लेकिन क्या 5 दिन भी पुलवामा हमले के ऊपर जिसमें 44 जवान हमारे शहीद हुए थे, 5 दिन भी मीडिया ने खबर दिखाया? और क्या ये मीडिया आज तक उन 44 जवान के परिवारों का क्या हुआ कोई मीडिया आपको दिखा रही है? नहीं दिखा रही ना। तो समझिए ना आप कि मीडिया किस हद तक नीचे गिरी हुई है। मीडिया सिर्फ वही खबर दिखाती है जो मोदी सरकार को फायदा पहुंचा सके। तो इसीलिए अब मोदी सरकार ने कहा है कि भैया हमसे कोई जीडीपी के ऊपर कोई सवाल ना पूछे कि देश के हालात कितने नीचे गिर गए हैं, आप चले जाइए चाइना के बॉर्डर के ऊपर, और आप सुबह शाम हर न्यूज चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ चाइना को दिखाते रहिए। जब 18 मीटिंग फेल हो गई, और आपको मैं जानकारी दे दूं, इतना तो आप लोग भी समझते हैं, ऐसा बात नहीं है कि 1 से 2 मीटिंग में पता चल जाता है कि हमारी बातचीत का रिजल्ट सफल होने वाला है या असफल होने वाला है। 2 मीटिंग बहुत है, लेकिन ये 18 मीटिंग कर रहे हैं, इसे क्या प्रूफ हुआ और क्या हासिल किया भारत सरकार ने? चुतिया बना रहे हैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को, कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पे, कभी बांग्लादेश के बॉर्डर पे, कभी चीन के बॉर्डर पे। इससे पहले क्या भारत में सरकारें नहीं रही हैं? अरे लड़ना है तो जीत लड़ो, दिल खोल के लड़ो, भारत का एक एक नागरिक साथ है, लेकिन राजनीतिक रोटी मत सेको कम से कम इन सब चीजों पे। और आप राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं इन सब मुद्दों पे, ये बहुत ही शर्मनाक है।
अब वैसे भी भारत में हर चीज बिकाऊ है, खरीदार होना चाहिए, उसकी उचित मूल्य देनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट जैसा संस्था बिक सकता है, जब सीबीआई जैसी संस्थाएं सरकार के इशारे पे नाचती हैं, तो और विभागों की बात क्या है। और ये न्यूज चैनल वाले तो वैसे ही भाजपा के सारे न्यूज चैनल हैं, तो ये जब 1,00,000 रुपया एक मिनट में ले रहे हैं तो सारा पैसा, इसीलिए मैंने कहा देश में हर चीज बिकती है, बस उसका खरीदार और उसका उचित मूल्य देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हमारे पार्टी के में भी है बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आए हुए हैं जो बिकने के लिए तैयार हैं, अपना ईमान धर्म। हमारे पार्टी में भी ऐसे कार्यकर्ताओं की भरमार है, लेकिन समय आएगा उनको उनका रास्ता दिखाया जाएगा। मैंने पार्टी गठन किया है, जानते हैं 10 साल मैंने जब पार्टी का 5 साल पहले स्थापना किया था तो मैंने टारगेट रखा था कि मैं अपनी बातों को 10 साल तक लगेगा मुझे, हो सकता है उससे भी ज्यादा लग जाए, क्योंकि जो देश के हालात हैं उसको समझने में और अच्छे व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति ढूंढने में मुझे समय लगेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में 99% आदमी करप्ट है, लालच से भरा हुआ है। लेकिन मैं उस 1% आदमी को ढूंढ रहा हूं भारत में जो ईमानदार हो, जो देश के लिए काम करना चाहता हो, समाज के लिए काम करना चाहता हो, मैं उन व्यक्तियों की तलाश कर रहा हूं। और निश्चित आने वाले समय के अंदर भारतीय मित्र पार्टी एक बेहतर विकल्प भारत को देगा, यह मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसे व्यक्तियों की तलाश कर रहा हूं जो ईमानदार हो। ऐसा नहीं है कि मेरे पार्टी में ईमानदार लोगों की कमी है, बहुत सारे अच्छे व्यक्ति हैं जिनको मैंने जांचा परखा, हर तरीके से बेहतर हैं। तो वैसे वैसे व्यक्ति को भी तलाश रहा हूं, और वैसे व्यक्ति भी हमारे पार्टी में काफी हैं। बहुत सारे व्यक्ति तो ऐसे भी आए हैं जो काले धन के ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए हमारे पार्टी में आए हैं, ऐसा भी ऑफर आया है मेरे पास। तो वैसे व्यक्तियों का हमारे पार्टी में कोई स्थान नहीं है। ब्लैक मनी को व्हाइट करे वो भारतीय जनता पार्टी सही है, उन्हीं के सदस्यों ने मुझे ऑफर किया है। तो भारतीय मित्र पार्टी में ऐसे किसी व्यक्ति का कोई स्थान नहीं है जो स्वार्थ से भरा हुआ हो। समाज सेवा करना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, तो आइए पार्टी का सदस्य बनिए, हिस्सा बनिए, समाज के लिए काम करिए। आपको लड़ना होगा, अगर देश को हमें आगे बढ़ाना है तो ईमानदार व्यक्तियों को राजनीति में कदम रखना होगा। राजनीति गंदी है, लेकिन हर अच्छे आदमी यदि यह सोच के हम राजनीति छोड़ के दूर भागेंगे तो ये गंदे लोग ही राज करेंगे। किसी चीज से दूर भागना समस्या नहीं है, उस गंदगी में घुस के उस गंदगी को साफ करना समस्या काम है। तो हम सबको जो ईमानदार व्यक्ति हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, गंदगी से दूर मत आइए, उस गंदगी में घुस के उस गंदगी को साफ करिए। यह मैं आप देश की जनता से कहना चाह रहा हूं। आज आए हम सब मिलके, मोदी जी की तरह मैं नहीं कहूंगा कि कभी न्यू इंडिया बनाएंगे, कभी साइनिंग इंडिया बनाएंगे, कभी झाड़ू इंडिया बनाएंगे, कभी बाथरूम इंडिया बनाएंगे, यह सब मैं नहीं कहूंगा, ये सब बोलने से कुछ नहीं होता। लेकिन अच्छे व्यक्ति राजनीतिक में आए, मैं आपसे अपील कर रहा हूं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।